आपसी सहमति से फैसला समझौता केस का निराकरण, जिसकी सुनवाई दुनिया की किसी भी अदालत में नहीं, इस उद्देश्य को लेकर संपन्न हुई रीवा में लोक अदालत। शनिवार को जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। जिला एवं सत्र न्यायाधीश जेके वर्मा ने दीप प्रज्वलित कर इसका शुभारंभ किया। लोक अदालत का आयोजन इस उद्देश्य को लेकर किया जाता है कि एक ही जगह पर आपसी सहमति से प्रकरणों का निपटारा किया जा सके और जिन मामलों का निराकरण लोक अदालत में होता है उसकी कहीं अपील नहीं होती। लोक अदालत में दो ऐसे खास मामले रहे जो पिछले कई सालों से चल रहे थे लेकिन उसका निराकरण नहीं हो पा रहा था। पहला मामला था रामकली सोनी का, जिनके पति भैयालाल सोनी सरकारी कर्मचारी थे और उनकी 2015 में सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी, जिनका बीमा मुंबई की किसी कंपनी के द्वारा किया गया था, जिसकी क्लेम राशि पाने के लिए उनकी पत्नी काफ़ी समय से चक्कर लगा रही थी लेकिन उन्हें बीमा की राशि नहीं मिल पा रही थी, जिसके बाद मामला लोक अदालत में आया। काफ़ी मशक्कत के बाद कंपनी के अधिकारी यहाँ उपस्थित हुए और रामकली को 45 लाख का चेक दिया, जो उसे लोक अदालत में जिला एवं सत्र न्यायाधीश जेके वर्मा के हाथों दिया गया। दूसरा मामला नगर निगम के संपत्ति कर को लेकर था, सोनाली नामक महिला का, जो 1995 से संपत्ति कर को लेकर मामला चला आ रहा था, जिसकी राशि 11,000 से ज़्यादा की थी, जिसे लोक अदालत में नगर निगम के अधिकारियों से आपसी सहमति कर उसका निपटारा कर 7,500 में राजीनामा किया गया। लोक अदालत में सबसे ज़्यादा करीब 1400 मामलों का निपटारा किया गया। जैसे तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट, नगर निगम, ये सारे डिपार्टमेंट इस लोक अदालत में अपनी अपनी पीठी लगा के बैठेंगे और जिला अदालत में यहाँ पे राजीनामे जो प्रकरण हैं वो दीवानी के हैं, मोटर एक्सीडेंट क्लेम, चेक बाउंस के मामले और 138 निगोशिएशन इंस्ट्रूमेंट एक्ट, विद्युत के मामले भी रखे हम लोगों ने, वर्जन के भी मामले हैं। तो इस लोक अदालत में कुल हम लोगों ने राजीनामा कंप्रोमाइजेबल लगभग 12,829 केस रखे हैं, जिनमें मैक्सिमम केसों में कंप्रोमाइज होने की संभावना है। और इसके अलावा जलकर, विद्युत, दूरभाष से संबंधित मामले भी रखे गए हैं और फैमिली कोर्ट में भी हमारे जो जज साहब बैठते हैं उनके यहाँ भी कंप्रोमाइज में काफ़ी केसेस रखे गए हैं। ये रामकली महिला हैं, इनके पति की डेथ हुई थी, गवर्नमेंट सर्वेंट थे वो, जिस व्हीकल से दुर्घटना हुई थी उसका बीमा किया था यूनिवर्सल शैम्पू जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने। इस लोक अदालत में हमने समझौता किया, उस समझौते के तहत इनको जो है 45 लाख रुपये आज जो है तो इनको चेक के माध्यम से प्रदान किए गए। कितने का चेक मिला आपको? हमारे नगर निगम का एक महिला है, सोनकली जी हैं, उनका 1995-96 से 2018 और 2019 तक का 11,000 के ऊपर उनका संपत्ति कर था। मैंने कमिश्नर श्री आर के सिंह साहब और संपत्ति कर अधिकारी श्री अशोक सिंह साहब से रिक्वेस्ट किया कि जितना कम से कम हो सके और नियम में हो उनका करिए, तो उन्होंने लगभग 7,500 के आसपास, मैं आपको फिगर दे दूंगा, तो उनका राजीनामा हुआ और वो इतनी ज़्यादा खुश थी और उन्होंने मुझसे हाथ मिलाया और कमिश्नर साहब से हाथ मिलाया और रोने लगी, उनके साथ उनकी बहू भी थी। इसी तरह अभी आप लोगों ने देखा होगा कि आप माननीय DJ साहब श्री आर के वर्मा साहब के पास से आए हैं, 45 लाख का एक नगद राजीनामा हुआ है, तो नगद उनको चेक दिया गया तत्काल,